हेलो, वेलकम टू डिज़ाइन स्टूडियो। और आज मैं मैप देकर आ गया हूँ आपके लिए, जिसका साइज़ है आपका 15x48। फ्रंट और बैक है इसकी 15 फीट, और जो इसकी डेप्थ है वो है इसकी 48 फीट। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको दो रूम दिए गए हैं, एक आपका बेडरूम है, दूसरा आपका ड्राइंग रूम है। इसमें इनको पोर्च नहीं दिया गया है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पोर्च की नहीं थी। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यह हमारा मेन गेट है, तो आपको यहाँ पर 4 फीट की वाइट पैसेज देखने के लिए मिल जाती है। आपके जो पाइप वगैरह हैं, जो टॉयलेट के पाइप वगैरह होंगे पानी के, वो यहाँ पर चार फीट से आ जाएंगे बाहर। उसके बाद देखने के लिए मिल जाता है ये जो आपको ड्राइंग रूम है, इसका डोर आपको एक बाहर से दिया गया है जो आपके गेस्ट के लिए है, और जो दूसरा डोर है वो आपको अंदर लॉबी से दिया गया है। ड्राइंग रूम का साइज़ है आपका 9 फीट 10.5 इंच बाय 12 फीट का ये ड्राइंग रूम बनाया गया है। ड्राइंग रूम के वेंटिलेशन के लिए आपको रोड पर ही यानी कि बाहर की तरफ एक विंडो देखने के लिए मिल जाती है, यहाँ से आपका फुल वेंटिलेशन हो जाएगा। इसमें आप यहाँ पर सोफे वगैरह डाल सकते हैं। अगर सोफे आपको ख़रीदने हैं तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से जाकर ख़रीद सकते हैं। वो सोफ़े आपको सस्ते भी मिल जाएंगे अगर आप हमारी लिंक से ख़रीदते हैं। तो उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं, तो आपको ये कुछ ओपन एरिया देखने के लिए मिल जाता है। और इसके लेफ्ट हैंड साइड पर ही सबसे पहले आपको देखने के लिए मिल जाती है आपकी टॉयलेट। टॉयलेट का साइज़ आपको जो दिया गया है वो 6 फीट बाय 5 फीट का दिया गया है। ये टॉयलेट यहाँ पर इसलिए बनाई गई है कि अगर आपके जो गेस्ट हैं उनको भी अगर टॉयलेट में जाना हो तो पास के पास से जा सकते हैं, अंदर जो फैमिली है उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद देखने के लिए मिल जाता है आपको यहाँ पर किचन, जिसका डोर आपको यहाँ से दिया गया है। 6 फीट बाय 6 फीट 9 इंच का ये किचन बनाया गया है। इस किचन के वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पर विंडो भी देखने के लिए मिल जाती है, आपकी रोशनी और हवा दोनों यहाँ से आ जाएंगे। इसी के साथ आप इस किचन में चाहें तो 2 फीट की स्लेब जो डलेगी वो आप आई साइज़ की भी डाल सकते हैं और आप एल साइज़ की भी डाल सकते हैं। आई साइज़ की डालते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा इसमें, क्योंकि किचन थोड़ी छोटी है। इसके बाद आप आगे आते हैं, ये आपको देखने के लिए मिल जाती है आपकी लॉबी। लॉबी का साइज़ आपको दिया गया है यहाँ पर 14 फीट 3 इंच बाय 10 फीट 10 इंच की आपकी लॉबी है। लॉबी के लेफ्ट हैंड साइड पर ही आपको 3 फीट का स्टेयरकेस यानी कि जीना देखने के लिए मिल जाता है, जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है और ऐसे घूम करके ऊपर चला जाता है। अगर आपको लिफ्ट लगवानी है तो आप जीने के बीच में लिफ्ट भी लगवा सकते हैं, यहाँ पर पैड़ियों के बीच में, स्टेयरकेस के बीच में आपके यहाँ पर लिफ्ट भी लग जाएगी। ये ऐसे घूम करके आपको जीना ऊपर चला जाएगा अपने फर्स्ट फ्लोर पर। लॉबी के सामने ही आपको देखने के लिए मिल जाता है आपका ये बेडरूम, इसका डोर आपको 3.5 फीट का दिया गया है। बेडरूम का साइज़ है आपका 12 फीट 3 इंच बाय 10 फीट का ये बेडरूम बनाया गया है। बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए आपको पीछे भी एक विंडो दी गई है। इनका पीछे भी रोड है और इनका आगे भी रोड है, यानी कि नॉर्थ में भी रोड है और साउथ में भी इनका रोड है, तो पीछे भी इनको एक विंडो दे दी गई है। इसी के साथ इस बेडरूम में आपको सामने भी एक विंडो देखने के लिए मिल जाती है। और अब इधर देखते हैं हम, तो आपको 2 फीट की अलमीरा भी हमने दी हुई है, तो आपको कोई प्रॉब्लम इसमें सामान रखने में नहीं आएगी। और जो आपको इसमें बेड डालना है वो आप बेड डालने के बाद अगर चाहें तो आप सामने LCD भी लगा सकते हैं, यहाँ पर आपकी LCD भी लग जाएगी। और इसी के साथ अगर आप बेड ख़रीदना चाहें तो बेड की लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अच्छा बेड है और आपको कम पैसों में मिल जाएगा अगर आप हमारी लिंक से ख़रीदते हैं। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको भी अपना मैप बनवाना है तो आप भी डिज़ाइन इंस्टीट्यूट से बनवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमसे कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। अपनी रिक्वायरमेंट बताइएगा, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी ऐसे ही आपको मैप प्रोवाइड कराया जाएगा। 24 से 48 घंटों के बीच में आपको मैप प्रोवाइड करा दिया जाता है। उसमें जो चेंजेस होती हैं आप जब तक चेंजेस करवा सकते हैं, जब तक आपको वो पसंद ना आए, उसमें आपको चेंजेस करवाने के लिए आपको कोई चार्ज पे नहीं करना होता है। जो मैप का चार्ज होता है बस वही आपको पे करना होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।